ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। कयामत आने वाली है मसीहो, जागते रहना। कयामत आने वाली है मसीहो, जागते रहना। हमेशा जागते रहना, दुआएं मांगते रहना। हमेशा जागते रहना, दुआएं मांगते रहना। मसीहा करो दिल के चरागों को, करो दिल के चरागों को, करो दिल के चरागों को। दुआ के नूर से रोशन करो दिल के चरागों को। मसीह ने खुद यहाँ, अब धो लो इन पापों के दागों को। खुदा से दिल डालो, तोड़ दो रिश्तों के धागों को। उसके आने की न जाने कब वो आ जाए, न जाने कब कयामत का वो बादल सर पे छा जाए। सुनो ये वक्त की आवाज, हमको ये ही
समझाए। ये वक्त की आवाज हमको ये ही समझाए। मसीहा आने वाला है करो तैयार अपने को। मसीहा आने वाला है करो तैयार अपने को। करो तौबा गुनाहों से। करो तौबा गुनाहों से। हमको आंखें खोलनी होगी। हमें अपनी हर एक नेकी बदी अब तौलनी होगी। तुझे भी पॉल आखिर ये हकीकत बोलनी होगी। रामत आने वाली है मसीह हो जागते रहना। मसीहा आने वाला है करो तैयार अपने को। कयामत आने वाली है मसीह हो जागते रहना। कयामत आने वाली है मसीह हो जागते रहना। मसीहा आने वाला है करो तैयार अपने को। मसीहा आने वाला है करो तैयार अपने को। करो बालों का झड़ना आज के प्रदूषण में सारे वातावरण में एक आम बात है। बालों का झड़ना प्राकृतिक है, पर जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। बालों का झड़ना प्राकृतिक है, बालों के अधिक झड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई बीमारी, डैंड्रफ, दवाइयों का प्रभाव, पौष्टिक भोजन का अभाव आदि। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए इनकी देखभाल करनी चाहिए। बालों का रंग जीन पर भी निर्भर करता है। बाल प्रोटीन यानी कैरोटीन निर्मित होते हैं। अपने भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ाना चाहिए। बालों को हमेशा साफ रखें। प्राय लोगों में यह धारणा है कि अधिक बार बाल धोने से बाल खराब हो जाते हैं। ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। बाल गंदे रहने पर बालों में रूसी, जुएं आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सप्ताह में 2-3 बार अवश्य साफ करें। तैलीय बाल जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए इसे अधिक बार भी साफ करना पड़े तो बालों को नुकसान नहीं पहुंचता। बाल धोने से 2 घंटे पूर्व किसी तेल से बालों को अच्छी तरह मालिश करें। तेल को बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगाएं। इससे बाल मजबूत होते हैं, उनका टूटना भी कम हो जाता है। बालों की उचित देखभाल के लिए सही ढंग से ब्रशिंग भी आवश्यक है। एक अच्छे ब्रश से नियमित
तीन चार बार कंघी करें। इससे सिर की खोपड़ी में उपस्थित मिट्टी व गंदगी साफ होती है, रक्त का संचार भी बढ़ता है। पर्मिंग, ब्लीचिंग और हेयर स्टाइल बनाने में प्रयोग किए गए रसायनों का प्रभाव भी बालों पर पड़ता है। इनका अधिक प्रयोग बालों की जड़ों को कमजोर करता है। बाल सूखे और पतले होकर झड़ जाते हैं। हेयर डाई के अधिक प्रयोग से भी बालों का टूटना देखा जा सकता है। बालों को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाएं, क्योंकि ये बालों को रूखा करती है। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। बंदगी बख्श दे, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। हमें जिंदगी वरना हम खाक थे, तूने जब तक छुआना था ना पाक थे, दी हमें जिंदगी वरना हम खाक थे, तूने जब तक छुआना था ना पाक थे, पाक रू हमको दी, पाक हमको किया, पाक रू हमको दी, पाक हमको किया, इसके बदले में कुछ भी न हमसे लिया, इसके बदले में कुछ भी न हमसे लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। पाप की नींद में हम थे सोए हुए, थे गुनाह के अंधेरों में खोए हुए, पाप की नींद में हम थे सोए हुए, थे गुनाह के अंधेरों में खोए हुए, तूने सच के चिरागों को रोशन किया, तूने सच के चिरागों को रास्ता हमको नेकी का दिखला दिया, रास्ता हमको नेकी का दिखला दिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी
बच दी। मैंने चांदी के सिक्कों में बेचा तुझे, तूने फिर भी गले से लगाया मुझे। मैंने चांदी के सिक्कों में बेचा तुझे, तूने फिर भी गले से लगाया मुझे। तूने कोई शिकायत न शिकवा किया, तूने कोई शिकायत न शिकवा किया। मेरी खातिर मसीह तूने क्या न किया, मेरी खातिर मसीह तूने क्या न किया। मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। पॉल हर काल अपना भुलाता रहा, फिर भी तो उस पे रहमत लौटाता रहा। पॉल हर काल अपना भुलाता रहा, फिर भी तो उस पे रहमत लौटाता रहा। तूने अपने करम का भरम रख लिया, तूने अपने करम भरम रख लिया। फूक की चादर से उसका गुनाह ढक लिया, फूक की चादर से उसका गुनाह ढक लिया। मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे। मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया। मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया। रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं पहला यूहन्ना 4 उसके 10 वचन में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जगत के लिए परमेश्वर का प्रेम इसलिए प्रकट नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने पुत्र को भेजा, परंतु इसलिए कि उसने जगत से प्रेम किया ताकि मानवता के द्वारा ईश्वर तत्व को पहनना मानवता को छू सके। जबकि पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक खाई बना दी, एक ईश्वरी परोपकारी ने इस खाई को पाट दिया। इसके लिए उसने क्या व्यवहार किया? अपना एक हिस्सा पिता की महिमा की चमक एक ऐसे जगत में आई जो अभिशाप से दागी और कलंकित था। अपने ईश्वरी चरित्र में, अपने ईश्वरी शरीर में उस खाई को पाट दिया। स्वर्ग की खिड़कियां खोल दी गई,
हमारी इस अंधकार जगत में चंगाई के स्रोतों में स्वर्गीय अनुग्रह की बौछार आई। यदि परमेश्वर इससे कुछ कम देता तो हम नहीं बच सकते, परंतु उसने हमारे जगत को इतनी प्रचुरता से दिया कि इससे अधिक वो हमसे क्या प्रेम कर सकता था। इसलिए यह कहना कि कितनी मूर्खता है कि पहला परीक्षण काल के बाद दूसरा परीक्षण काल आएगा। परमेश्वर ने मानो एक ही महान दान में पूरे स्वर्ग की परोपकारिता खाली कर दी। इस दान के मूल्य को समझने पर ही हम असीमता को समझ सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कौन सीमित दिमाग इसे समझ सकता है। परमेश्वर मनुष्य के पूर्ण स्नेह का दावा करता है। संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, मनुष्य में जो कुछ है उसका सब पर दावा है। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का सब चीज पर दावा है। इस पूरे ब्रह्मांड पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को दिया, सब कुछ उसका है। आपका जीवन, आपका मन, आपका हृदय, आपका शरीर, आपका घर, सब कुछ परमेश्वर का है और उस सब कुछ को परमेश्वर ने आपको दिया है। और सबसे बड़ी दान जो परमेश्वर ने हमें दी है, अपना प्रिय पुत्र को उसने भेजा। कब भेजा? जब हम पापी ही थे, हमारा कोई रास्ता नहीं था कि हम कैसे बचाए जाएं, कैसे पाप से हम बचाए जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे और परमेश्वर के बीच में उसने एक पुल बांधा, प्यार का पुल, वह है प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उस पुल पर चढ़कर परमेश्वर तक जा सके। क्योंकि हम पापी हैं, हमने पाप किया है, हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ बना, हमारा वकील बना, और आज वह स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे मित्रों, आप घमंड ना करें, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं। मेरे मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम को जानें। वो आपसे प्रेम करता है। जब हम स्वर्ग के घर पहुंचेंगे, यीशु स्वयं श्वेत वस्त्र पहने हुए की अगुवाई करेगा, जो पिता के लिए मेमने के लोहों में श्वेत किए गए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। आज जिस सिंहासन में बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। मित्रों, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। अगर आप अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं, यह मौका है कि आप प्रभु के पास आए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। इससे पहले कि वो आप उससे प्रेम करें, वो आपसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, हम आज तेरा धन्यवाद करते खुदावन उस असीम प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया। प्रभु, जब हम पापी ही थे, तूने अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने, प्रभु तूने हमसे प्रेम किया। प्रभु, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702।
मेरा ईमेल आईडी है morris@gmail.com morris@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल जाना। बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल जाना। मसीह हो तुम ना इसको बुलाना, गुनाहों से तुम अपना दामन बचाना। गुनाहों से तुम अपना दामन बचाना। बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल जाना। मसीह हो तुम ना इसको भुलाना। खुदा की इबादत में हर पल बिताना, हर एक हाल में शुक्र उसका मनाना, तराने सदा उसकी रहमत के गाना। तराने सदा उसकी रहमत के गाना। तूने की किराहों मसीह हो ये पैगाम सबको सुनाना। बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल। श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले। कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।